आज हम फिर से डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आए हुए हैं और तस्वीरें आप तक डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की लगातार जो है पिछले कई टाइम से पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ खस्ता हालात में डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, क्या कुछ डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहा है और क्या कुछ तस्वीरें खास तौर पर डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की है। आप देख सकते हैं आज फिर से डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आए हुए हैं और क्या हालात है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की, वो तस्वीरें जो है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं पहले भी स्टेडियम की हालत दिखाई थी कि क्या कुछ हालात स्टेडियम की थी। आप देख सकते हैं कि ये आज स्टेडियम की हालात है, किस तरह का स्टेडियम है। मिट्टी जो है यहाँ पर लाई गई है, मिट्टी यहाँ पर जो है डाली गई है और विचार कर रहे हैं कि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है घास लगेगी, डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम को जो है बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन जब हमने काउंसिल के कुछ लोगों से बातचीत की, स्पोर्ट्स काउंसिल के लोगों से बातचीत की, तो उनका साफ साफ कहना है कि खाली अभी मिट्टी जो है हम यहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन मिट्टी डालने के बाद घास के बारे में सोचेंगे कि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में घास लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन ये तस्वीरें अभी डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की, और इस सबको लेके डोडा का यूथ जो है काफी ज्यादा परेशान है, छोटे छोटे बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि पहले भी हमने खबर आपको स्ट्रेट लाइन के माध्यम से दिखाई कि क्या कुछ हालात है, क्या कुछ स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की तस्वीरें है, किस तरह में है डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम। क्योंकि ये डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो बदतर हालात में है, ये डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो काफी मुश्किल में है, काफी बदतर हालत में है। और अब जो है उम्मीदें हैं खास तौर पर कि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है घास लगेगी। लेकिन जब हमने काउंसिल के कुछ लोगों से बात की, उनका साफ साफ कहना था कि विचार अभी हुआ नहीं है घास को लेके, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो है घास भी लगेगी। लेकिन उस सबको के बीच में जो बच्चे यहाँ पर सफर कर रहे हैं, जो यूथ यहाँ पर सफर कर रहा है, क्योंकि पहले 26 जनवरी था, 26 जनवरी को लेके हालात स्टेडियम की खराब कर दी गई थी, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अब मिट्टी डाली गई है और काफी टाइम से यूथ जो है स्टेडियम के बाहर जो है वेट कर रहा है कि कब डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेगा, कब डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है हम खेलेंगे। लेकिन जो तस्वीरें खास तौर पर डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की है वो आपके सामने है। तो बहुत सारा यूथ जो है यहाँ पर था जो काफी टाइम से इंतजार कर रहा था कि हम यहाँ पर खेले, बहुत यूथ यहाँ पर ये सोच रहा था कब हम डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम का रुख जो है फिर से करेंगे, लेकिन ना ही ये स्टेडियम में खेल पा रहे हैं, ना ही ये डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है इस ग्राउंड का फायदा उठा पा रहे हैं और ना ही कोई ऐसी जगह है जहां पर ये यूथ खेले। और ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से चेहरे हैं, चाहते तो बड़ा कुछ करना है, चाहते हैं देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन करे तो करे कैसे, क्योंकि हालात बद से बदतर है। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर यूथ खेल पाए, तो कोशिश करेंगे थोड़े बहुत इन बच्चों से बात करें। आपका नाम? क्या कहना चाहोगे डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेके और कितने टाइम से आप परेशान हैं? सर हम पिछले 2 महीने से परेशान ही हैं, यहाँ पर रोज काम करवाते हैं। आपसे हमें यही गुजारिश है इनसे आप बात करें। नहीं, क्या चाहते हैं कि आप डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में, हमने अक्सर देखा आप बाहर खेलते हैं, आप ग्राउंड के अंदर अगर खेले तो खेले कैसे, हालात खराब, कितने परेशान हो चुके हैं आप? सर हम बहुत परेशान है, मेरा एक सपना है इंडियन टीम से खेलूं, मगर कहां पर करे यार प्रैक्टिस? आप चाहते हो इंडिया के लिए खेलना, मगर प्रैक्टिस कहां करोगे, कहां पर करे? यहां पर रोज मीटिंग होती है, परसों था मैच कबड्डी का, वहां पर देते थे खेलने, फिर यहां पर लगाई मिट्टी। हमसे ठेकेदार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द काम खत्म करें। और भी बच्चे, क्या नाम है आपका? साहिल एजाज। साहिल, क्या कहना चाहोगे यार, आप काफी परेशान दिख रहे हो, क्या कहना चाहोगे? सर हमें सरकार से ये गुजारिश है कि आप सब देख सकते हैं यहाँ का स्टेडियम का हाल कैसा है, और हम जो है यहाँ पे खेल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हम खेलेंगे तो हमें चोटें भी आ सकती है, इस वजह से हम रोड पे खेलते हैं, और रोड पे किसी गाड़ी को बचता है तो वहाँ पे लोग हमें ताने भी मारते हैं। और ठेकेदार से हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पे जो ये पत्थर वत्थर है वो जल्दी से जल्द हटा दे। तो कितने टाइम से आप ये सफर कर रहे हो, कितने टाइम से इसकी हालत ऐसी देख रहे हो? सर हम 1 महीने से ऐसे ही देख रहे हैं, कभी कभी कुछ होता है, कभी कुछ, खेलने का मौका नहीं मिल पाता है। नहीं, आप मुझे बताएं, आपने बहुत सारे बाहर के मोबाइल में ही देखा होगा कि बाहर बहुत सारे स्टेडियम होते हैं, काफी अच्छी हालत उनकी होती है, और अपने स्टेडियम को जब आप देखते हैं तो कैसा लगता है? सर बहुत बुरा लगता है, सरकार से गुजारिश है इसको बहुत बेहतर बनाया जाए। आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, जैसे बच्चे ने कहा कि हम चाहते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना, करे कैसे, प्रैक्टिस कहाँ करे, तो आप क्या चाहते हो? आप सर मेरी भी चाहते हैं कि मैं इंडिया की टीम से खेलूं और इंडिया को आगे बढ़ाऊं। बड़ा, मगर खेलोगे कहाँ, प्रैक्टिस कहाँ करोगे? सर प्रैक्टिस करने के लिए जगह ही नहीं है सर, यहाँ पे हमें खेलने नहीं, खेलने में बहुत दिक्कत होती है सर। यार ये तो हमें खेत लग रहा है अभी, आपको तो दिक्कत होगी सर, हमें तो हमें भी तो खेत ही लग रहा है, तो अब हम रोड पे खेलते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है वहाँ पे।
आप चाहते हैं कि इसको डीसी साहब को क्या कहना चाहते हो आप? सर हम चाहते हैं यहाँ पे जल्दी से जल्द अच्छा सा पिच बना दे कि हम भी खेल सके यहाँ पे, और हमें छुट्टियाँ भी मिली है 2 महीने की, और उसे उसमें हम टाइम पास नहीं करेंगे तो हमारा भी 2 महीने की छुट्टियों का क्या फायदा है? मतलब छुट्टियों में आपने सोचा था हम खेलेंगे मस्ती भी करेंगे, लेकिन जब छुट्टियां हैं तो तब ग्राउंड ही नहीं है। यस सर। अब आगे फिर स्कूल खुलने वाले हैं तो फिर वही स्कूल की रूटीन है। आगे स्कूल खुलेंगे तो हमें टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे आने का, तो हम क्या करेंगे आपने देखा बच्चे जो है देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन करे कहाँ, प्रैक्टिस करे तो करेगा क्योंकि ग्राउंड जो है बदतर हालात में है। हमने जब डिपार्टमेंट से बात की, स्पोर्ट काउंसिल के कुछ मुलाजमीन से बात की, उनका साफ साफ ये कहना है कि यहाँ पर जो है सिर्फ मिट्टी डाली जा रही है, इसको कोशिश करेंगे प्लान करने की, लेकिन घास की अभी कोई भी स्कोप नहीं है कि घास लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन जो यूथ है डोडा का, जो बच्चे हैं डोडा के, वो खास तौर पर काफी ज्यादा परेशान है। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि इंडोर स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम के सपने जो है पिछले कई टाइम से दिखाए जा रहे हैं कि डोडा का इंडोर स्टेडियम बनेगा, डोडा के इंडोर स्टेडियम में जो है बच्चे खेलेंगे। हमने बहुत बार देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कबड्डी खेल रहे हैं और इस मिट्टी पे खासतौर पर खेल रहे हैं जहां पर उनको नुकसान हो रहा है, उनके पैरों पर लग रही है, लेकिन वो बच्चे जो है सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही है। कोशिश थी कि इस इंडोर स्टेडियम के अंदर जो है कबड्डी की प्रैक्टिस होगी, बैडमिंटन वहां पर खेला जाएगा और बच्चे जो है यहाँ पर खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डोडा के इन बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही है, डोडा के इन यूथ के साथ उनका फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। ये बच्चे साफ तौर पर कहना है कि हम चाहते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना, हम चाहते हैं देश का नाम रोशन करना, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना, लेकिन करे तो करे कैसे, खेले तो खेले कहां, क्योंकि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत उस तरह की नहीं है या ना ही कोई डोडा में ऐसी जगह है जहां पर हम खेल पाए। लेकिन ये तस्वीरें अभी तक थी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से, लगातार हमने अपील की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, कि खास तौर पर डोडा को नजर आसानी करे और डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम को नजरसानी करे, क्योंकि पहले जो है आश्वासन दिलाया गया कि यहाँ पर घास लगेगी, लेकिन जब हमने बातचीत की तो घास का कोई भी स्कोप जो है अभी नहीं है। लेकिन उम्मीद फिर करते हैं डिपार्टमेंट से, उम्मीद फिर करते हैं स्पोर्ट काउंसिल से, उम्मीद फिर करते हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से, उम्मीद फिर करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालात सही की जाए। जिस तरह लगातार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह स्पोर्ट्स को खास तौर पर बढ़ोतरी दे रहे हैं, जिस तरह डोडा के बच्चों की अगर हम बात करें तो ये स्पोर्ट्स से जो है दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जगह जगह होनी चाहिए, यूथ को फायदा मिलना चाहिए, बच्चों को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन वो एक्टिविटीज सिर्फ डोडा से बाहर है, डोडा के स्टेडियम में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है नहीं हो रही है जहां पर यूथ खेल पाए, जो बच्चे जो है खेल पाए। इन बच्चों का साफ साफ ये भी कहना है कि छुट्टियां थी, छुट्टियों के 2 महीने में अगर हम खेले तो इसी स्टेडियम में खेलेंगे, लेकिन खेले कैसे, कभी कुछ प्रोग्राम्स कभी कुछ प्रोग्राम्स, और आज हालत देखिए आप किस तरह की है, हम जाए तो जाए कहां। लेकिन हम फिर से उम्मीद करते हैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से, खासतौर पर जितने भी दर्शक स्ट्रेट लाइन को देख रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर पर स्ट्रेट लाइन को देख रही है, तो इस ग्राउंड की तरफ तवज्जा दी जाए। स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी स्पोर्ट काउंसिल से भी गुजारिश है खासतौर पर कि डोडा पे तवज्जा दी जाए, डोडा में जो है कोचेस अभी भी पूरे नहीं है, डोडा के मैं जो है प्रैक्टिस बच्चे करे तो करे कहां, स्टेडियम की हालत वैसी नहीं है, और खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा जो लगातार डोडा में जो है एक्टिविटीज करा रहे हैं, लेकिन इस स्टेडियम को लेके कहीं ना कहीं वो पीछे हैं, इंडोर स्टेडियम को लेके कहीं ना कहीं वो पीछे हैं। आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे तो यहां पर हैं जो चाहते हैं अपना भविष्य बनाना, जो चाहते हैं देश के लिए खेलना, लेकिन खेले कहां पर, काफी ज्यादा बदतर हालात में डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम है। लेकिन इसको देखे तो देखे कौन, अभी जो है मिट्टी जो है यहाँ पर बहुत सारे ट्रक उठा के यहाँ पर डाल दी गई है, कोशिश है कि अब इस मिट्टी को प्लान करने में लगभग हफ्ते 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन 15 दिन तक ये बच्चे जाए तो जाए कहाँ। काफी ज्यादतियां जो है डोडा के लोगों के साथ, डोडा के बच्चों के साथ हो रही है, और कहीं ना कहीं फिर सुनने में आता है कि बच्चे जो है गलत एक्टिविटीज करते हैं, उसका जिम्मेवार आखिर कौन है। लेकिन फिर भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से अपील रहेगी खासतौर पर कि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम को देखा जाए, इसकी कंडीशन को देखा जाए, और जो कुछ सूरत हाल है जल्द से जल्द ठीक करके बच्चों को यहाँ पर खेलने दिया जाए, ताकि बच्चे जो है यहाँ पर खेले और अपना फ्यूचर जो है यहाँ पर बना पाए, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर को या पूरे इंडिया की बात करें तो रिप्रेजेंट कर पाए।